नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड T20 मैच खेला जाने वाला है, उसके पॉसिबल प्लेइंग 11 एक स्मॉल लीग की टीम देने वाला हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मुल्तान सुल्तान वर्सेज लाहौर क्वालेंडर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आपने देखे तो मेरे वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम अभी बाकी है। तो कल बहुत सारे मैच थे दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका का वुमेंस का मैच है, मेंस का मैच है, PSL के 2-3 मैचेस है, प्लस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ODI भी है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं किन मैचेस के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो मैं ये PSL का मैच कवर कर लूंगा, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूँ, और ये वाला मैच का भी मैं वीडियो कवर कर दूंगा, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो जो वीडियो नहीं मिलेंगी वो है वुमेंस की मैच, क्योंकि मैं वुमेंस की मैच नहीं खेलता ज़्यादातर, और न्यूजीलैंड ODI कप फाइनल का भी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के थर्ड T20 मैच। तो सेकेंड T20 में आपने देखा होगा धोनी और मनीष पांडे ने अच्छी पार्टनरशिप करके इंडिया को एक कॉम्पिटेटिव टोटल लाई थी, 180 प्लस कुछ स्कोर किया था, लेकिन JP Duminy और हेनरिक क्लेसन ने बहुत आसानी से चेस कर लिया था। और ये मैच न्यूलैंड्स केप टाउन में होने वाला है, जो JP Duminy का होम ग्राउंड है, और ये इस ग्राउंड पे कभी भी फ्लॉप नहीं हुए अभी तक। आप ODI भी देख लीजिए और टेस्ट भी देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं इस पिच पे, प्लस बैटिंग भी शानदार करते हैं। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। प्लेइंग 11 की बात कर लूँ तो साउथ अफ्रीका में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, बस एक ही चेंज हो सकता है, वो डेन पैटरसन या तो तबरिया सामसी की जगह पर एरन फेंगिसो को अगर टीम कंसिडर करती है तो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका जाएगी। तो ये हो गए साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो अभी हम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर थे, तो मुझे लगता है कि कल जसप्रीत बुमराह फिर से आ सकते हैं टीम में, और शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठना पड़ सकता है। और चहल दोनों ही मैचेस में एक्सपेंसिव साबित हुए दोस्तों, तो अगर कुलदीप यादव फिट होते हैं तो चहल की जगह पर खेल सकते हैं, या तो उनाडकट की जगह पर खेलेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो चहल को रिप्लेस करेंगे। तो ये दो चेंजेस इंडियन क्रिकेट टीम में हो सकते हैं, और ये मैच विनिंग मैच होगा दोस्तों, जो मैच जीतेगा वो सीरीज़ विन कर लेगा। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के हमारे पास दो विकेट कीपर है, हेनरिक क्लेसन और MS धोनी। आप किसी को भी रख सकते हो, दोनों का फॉर्म अच्छा है, लेकिन मैं हेनरिक क्लेसन को रखूँगा, क्योंकि वो थोड़े ऊपर भी आते हैं बैटिंग करने के लिए एज़ कम्पेयर टू MS धोनी। फिर बैटिंग में मैंने विराट कोहली को लिया है, शिखर धवन को लिया है, रेजा हेनरिक्स और सुरेश रैना को लिया है। आप यहाँ से डेविड मिलर को रख सकते हो दोस्तों, हालांकि फॉर्म में नहीं है लेकिन एक अच्छे बैट्समैन है। फरहान बहारदीन को आप अपने टीम में रख सकते हो, मनीष पांडे को रख सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और रोहित शर्मा को भी रख सकते हो, लेकिन ये भी फॉर्म में नहीं है दोस्तों। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने JP Duminy, क्रिस मॉरिस और हार्दिक पांड्या को रखा है। आप चाहे तो JJ Smuts को भी अपने टीम में रख सकते हो। एक स्लाइट चेंज ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को बिटाल कर KL राहुल को लाया जा सकता है, लेकिन ये एक सीरीज डिसाइडर मैच है, तो मुझे लगता है कि टीम रोहित शर्मा पे रिस्क लेगी, बड़े प्लेयर है। फिर बॉलिंग में मैंने जूनियर डाला, एक मस्ट पिक होंगे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के, जो हर मैच में 2 या 3 विकेट्स निकाल रहे हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनाडकट को मैंने पिक किया है। आप यहाँ से सामसी पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो, कुलदीप यादव पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो आप, अगर बुमराह खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठना पड़ सकता है। फिर चहल और कुलदीप यादव ये दोनों में से कोई एक, बुमराह लगता है खेलेंगे, फिलेक्वाय को आप रख सकते हो, डेन पेटरसन या तो एरन फेंगिसो। तो थोड़े बहुत चांसेस एक्सपेक्टेड है दोस्तों चेंजेस। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मैं विराट कोहली को कैप्टन रखूँगा, और वाइस कैप्टन में JP Duminy को रखूँगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, JP Duminy का ये होम ग्राउंड है, इसलिए मैंने उनको वाइस कैप्टन रखा है, और कैप्टन विराट कोहली। लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे दोस्तों, लेकिन विराट कोहली आप सभी जानते हैं कितना बड़ा नाम है, तो नेम सेज ऑल, इसलिए मैंने कैप्टन रखा है विराट कोहली को। और आप चाहे तो शिखर धवन को भी कैप्टन रख सकते हो, सुरेश रैना भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी के लिए, और रेजा हेनरिक्स जो लास्ट मैच में भी अच्छी स्टार्ट मिली थी इनको, लेकिन एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हेनरिक्स क्लेसिंग को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, और रोहित शर्मा अगर खेलते हैं 95% चांस है कि रोहित शर्मा ही खेलेंगे, बस 5% चांस है कि KL राहुल उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप रोहित शर्मा पे रिस्क लेके कैप्टन रख सकते हो, चल गए तो आपको आसानी से बड़े अमाउंट विन करवा सकते हैं। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, हेनरिक क्लेसिन, सुरेश रैना, रेजा हेनरिक, शिखर धवन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, JP Duminy, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनाडकट, जूनियर डाला और क्रिस मॉरिस।
तो ये मेरी टीम दोस्तों, आप इसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए, अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर लीजिए। तो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइज, थैंक यू।